अपा करंजारी नेक्स्ट सम फिफ्थ सम फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच फाइव रेस्ट टू पर एम डिवाइडेड बाय फाइव रेस्ट टू पर माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव रेस्ट टू पर फाइव. मतलब असं एम की वैल्यू फाइंड करनी है जे ये दोनों टर्म्स की हो इक्वल. हूँ आप देख के संबल प्रॉपर्टी याद आ रही है कि दोनों का बेस सेम है विच साइन का है डिवाइड का. हूँ जो आपने पता है जो बेस सेम है विच साइन डिवाइड का तो पावर्स की हो जाएँ ने माइनस. तो यही प्रॉपर्टी असं इतने अपलाई करा 5 रेस टू पावर एम माइनस हो गया पावर से ऑलरेडी माइनस है दैट मीनस की पावे ब्रैकेट हूँ ये टर्म इक्वल दिती है एज इट लिखा आप 5 रेस टू पावर एम माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 इक्वल की आ गया 5 रेस टू पावर 5. हूँ एक चीज़ का बच्चे ध्यान रखना है हूँ ये दोनों टर्म सूँ इक्वल दितिया ने इट मीनस उन्होंने बेस भी सेम ने और दोनों दावर्स भी सेम हो बिकॉज विच इक्वल का साइन है इसलिए आप बेस का सेम नज़र आ रहे हैं आप दोनों दावर्स में इक्वल लवेंगे यानी कि एम प्लस 3 इक्वल के है 5 से बिकॉज असं एम की वैल्यू फाइंड करनी है. एम की वैल्यू फाइंड करा 5 एज ए 3 कॉन्सटेंट इधर प्लस होया उधर जाके की होगा माइनस यानी एम की वैल्यू की आ गई अपने को 2. दैट्स आंसर.